गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर गेम वीडियो। सो गाइज आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और लास्ट वीडियो में मैं आपको याद दिला दूँ, हम गए थे माइनिंग करने, हमें मिला था बहुत सारा आयरन और कोल, और वहाँ पर मुझे कोबलस्टोन भी मिला था। तो यही मेरी चेस्ट है ना, तो मेरा वो कोबलस्टोन कहाँ पर है गाइज? मैं कोबलस्टोन कहाँ गया? इसके अंदर तो आयरन इंगट्स है, तो इसको हम रख देते हैं, अभी काम आएंगे बाद में। खैर छोड़ो, वो तो हम ले आएंगे, ब्रेड रख लेता हूँ। सो गाइस मेरे पास, मैंने सोचा कि मैं घर क्यों नहीं बना रहा, तो मैंने सोचा आज घर ही बनाते हैं। तो हमें घर के लिए चाहिए होगा प्लैंक्स, और प्लैंक्स मिलेंगे हमारे जंगल में, तो वहाँ पर हम जाएंगे और मैं वहीं का अपना एक घर बनाऊँगा। और सबसे पहले मुझे चाहिए खाने के लिए, खाने के लिए मैं लूँगा ब्रेड, रो मटन, इसको मैं फर्नेस में डाल सकता हूँ आई थिंक। हाँ तो ये जब तक कुक हो रहा है हम और देख लेते हैं। तो भाई बहुत सारी ब्रेड है, मुझे गाजर लेता, थोड़ी ब्रेड ले लेता हूँ बस। पिकैक्स है ही मेरे पास, और एक एक्स, एक्स से ही तो वुड काटना है मुझे। ये तो हो है, और ये है ये एक्स, तो एक्स ले ली। आई थिंक वो पक गया होगा, तो मैं सही था, ये पक गया है। तो हम जल्दी से नीचे चलते हैं और वुड लेके आते हैं। ओ गाइस अगर आप अभी चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से करना, भूलना नहीं। ये आलू ले लेते हैं, हमें इससे सीड भी मिलेगी, हम फार्मिंग भी करेंगे तो काम आएगी। तो गाइस मुझे अभी भी पता नहीं चला कि ये है क्या, इसको मैं एक बार तोड़ के देखूँ, एक्स से तोड़ता हूँ जो भी है, मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये ट्रेड क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है ट्रेड करने थे मुझे तो इसे। गाइस ये ट्रेड ही नहीं कर रहा। हाँ तो ये कर रहा है, बस 18 वुल की बदले ये एक एमरल्ड दे रहा है, और दो एमरल्ड की बकरे शेयर्स। हट, इतना महंगा लगा रहा है। और लास्ट में शायद हम इस केव में गए थे जो कि बहुत डरावनी है। तो मैं, मेरा कहाँ, तो ये रहा मेरा क्राफ्टिंग टेबल, उसको भी मैं तोड़ लेता हूँ जो लास्ट चलने पे मेरे से घूम गया था। तो वो रे वुड, तो हम जल्दी से वहाँ जाते हैं और काटते हैं। तो हम जल्दी से चलते हैं। तो वुड तो मुझे यहाँ ही दिख रही है, ज़्यादा नहीं दिख रही वुड पर, और उस साइड और होगी वुड। तो सबसे पहले हम इस वुड को काट लेते हैं। जल्दी से मैं इसको काट लेता हूँ, बस हो गया ये। और वुड कहाँ पर होगी, और वो गाइस वो क्या है गाइस, शायद वो टेंपल है ना, और मुझे शायद एक और दिखाता कहीं। हाँ गाइस देखो यहाँ दो दो टेंपल है, एक वो रहा और एक यहीं था, और एक वो रहा, यहाँ दो दो टेंपल है। मैंने सुना है कि इनके अंदर खजाने होते हैं, डायमंड्स वगैरह होते हैं, तो इसको हम अगली वीडियो में ज़रूर से एक्सप्लोर करेंगे। और वुड कहाँ पर हो सकती है, वो तो वहाँ पर तो मुझे जाना है, वहीं तो मैं रहता हूँ। और क्या गाइस मुझे वुड ही नहीं मिल रही। हाँ वो रही वुड सारी, तो हम वहीं चलते जल्दी से।
वहाँ पर तो बहुत सारी वुड दिख रही है, हम जल्दी से जितनी वुड हो सकती है हम जल्दी से काट के ले आते हैं। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना। तो अभी हम फ़िलहाल जल्दी से इसको काट लेते हैं क्योंकि हमें घर बनाना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना घर विलेज के पास ही बनाता हूँ, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आई थिंक मेरे लिए। तो मुझे विलेज के पास ही बनाना चाहिए अपना घर। तो अभी देखता हूँ मैं अपने पास कितनी वुड हो चुकी है। तो हमारे पास हो गई है 10 और 6 वुड, तो जितने हो सकते हैं मैं इतने बना लेता हूँ। तो अभी हमारे पास हो गए है 64, इतने कुछ हो गए हैं। तो अभी ये इनफ नहीं है, हमें बहुत सारी वुड चाहिए और आगे बहुत सारी वुड है तो हम उसको भी काटने चलते हैं। जल्दी से हम काट लेते हैं। इससे मुझे खाना मिलेगा बहुत सारा, तो मैं ले लेता हूँ। गाइस अभी मेरी वुडन एक्स भी टूटने वाली है, कोई बात नहीं। वो तो मेरे पास शायद क्राफ्टिंग टेबल लाया था ना, हाँ क्राफ्टिंग टेबल है, मेरे पास स्टिक्का भी है, सारा हो जाएगा। तो हम जल्दी से इसको भी काट लेते हैं। और चाहिए हमारे, इससे भी काम नहीं बनेगा। गॉइज मैं आते आते अपना विलेज ना भूल जाऊं, तो वो रहा मेरा विलेज, तो हमें वहां पर जाना है। जल्दी से हम ले लेते हैं। ये पेड़ बहुत बड़ा है तो मैं इसको भी काट लेता हूँ। गाइस मेरी वुडन एक्स की तो पूरी ही हेल्थ चल चुकी है। तो जल्दी से हम इसको भी काट लेते हैं और मैं देखता हूँ मेरे पास टोटल कितनी वुड हो चुकी है। कौन नहीं लेगा मेरी वुड, मैं इसकी सवारी भी कर सकता हूँ पर उसके लिए मुझे इसका, तो मैं भी थोड़ा खाना खा लेता हूँ। हाँ अब ये सारी वुड मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ उसके अंदर। आई थिंक इतने एक बार के लिए तो काफ़ी है, पर मैं ये नहीं चाहता कि मुझे दोबारा आना पड़े यहाँ पर काटने। तो जब तक मेरी वो पिकैक्स ख़त्म गाइस, मेरी पिकैक्स वो सॉरी गाइस एक्स वो ख़त्म हो गई मेरी, तो मुझे जल्दी से एक और बनानी पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा आना पड़े मुझे यहाँ पर। तो मुझे सबसे पहले चाहिए स्टिक्स चाहिए मुझे, 4 काफ़ी है, 8 ले लेते हैं। और मुझे मैं एक एक्स और बना लेता हूँ, फिर मैं आयरन के एक्स बनाऊँगा। तो जल्दी से हम ये क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं। और वो गाइस रात भी होने वाली है, मैं अपना बेड लाया हूँ ना, तो अच्छी बात है मैं अपना बेड लाया हूँ। जल्दी से हम इस पेड़ को और काट लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपने घर बनाने। यहाँ पर 2-3 ट्री और है, गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना घर बनाने के बाद मुझे क्या बनाना चाहिए। तो गाइस यहाँ रात हो गई है, तो मैं जल्दी से अपने बेड प्लेस करता हूँ और ये हम सो लेते हैं। तो यहाँ अच्छी सी एक सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग। तो अब हम जल्दी से
ये ट्री और काट लेते, ये तो बहुत अच्छा रास्ता है, पर मुझे अभी ट्री की जरूरत है, मैं ट्री को ही काटता हूँ सबसे पहले। तो मेरे पास कितनी हो गई है, 12 और उसके अंदर 6 और, तो गाइस आई थिंक इतने इनफ होंगे। तो मुझे क्राफ्टिंग टेबल क्यों डालूँ, हाँ अब मुझे शायद अपना घर बनाने की स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा विलेज वो रहा, तो मेरा विलेज वही है, मैं जल्दी से वहीं चलता हूँ। लगता है भूख लग रही है, नहीं भूख भी नहीं लग रही मुझे तो, हाँ अब सही है। और ये क्या है, वो ये लेक है क्या, तो वो है हमारा जहाँ पर हमें जाना है। तो मैं अपना घर बनाना चाहूँगा, मैं आ गया हूँ यहाँ पर। तो मेरा सबसे पहले मुझे अपने चेस्ट के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से मैं देखूँगा कि मुझे अपना घर कहाँ बनाना चाहिए, एक अच्छा सा व्यू आ जाएगा वहाँ से। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ टावर पे, तो मुझे अपना घर बनाना चाहिए, तो मुझे अपना घर यहाँ बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डर्ट भी है जिससे हम आसानी से वुड ले आएंगे, और यहाँ पर गांव भी है, एकदम मिडिल में बनाएंगे तो ठीक रहेगा। मैंने ये गलती से प्लेस कर लिया, तो हम बनाने जा रहे हैं अपना घर वहाँ पर। और घर के लिए मुझे चाहिए और मटेरियल्स, तो मैं एक ऐसा करता हूँ अपनी एक एक्स बना ही लेता हूँ, वुड आयरन की, एक आयरन की एक्स बना लेता हूँ। स्टिक्स है ही मेरे पास, तो मैं एक आयरन की एक्स बना लेता हूँ, आयरन की एक्स, आयरन की एक्स। अब इससे हम जल्दी तोड़ पाएंगे, अच्छा हुआ ये मेरे पास 3 आयरन इंगट्स बचे हैं। और अब मुझे चाहिए ये क्या है, स्मिथिंग टेबल। तो इससे अब हम सारे वुड, अभी हमें जो काम नहीं आ रहा अभी हमें पिकेक्स काम आ सकती है, एक्स काम आ सकती है, ये वुड रख लेते हैं और ये वुड रख लेते हैं। तो हम जल्दी से चलते हैं और अपना घर बनाने की प्रतिज्ञा शुरू करते हैं। नीचे चल, तो मैंने सोचा था अपना घर वहां बनाऊंगा। तो अभी तो मैं छोटा सा ही घर बनाऊंगा, फिर बाद में हम बड़ा सा घर बनाएंगे। तो ये एकदम मेरी परफेक्ट जगह है घर बनाने की, तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने लिए है एक एक क्या वुड प्लैंक्स, तो अभी मैंने लिए है 3, तो 3 के बाद हम करेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से हम 10 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अब यहाँ से भी ले लेंगे हम, तो ये मैंने गलती से एक्स्ट्रा ले लिया, तो मैं इसको जल्दी से ले लेता हूँ अपने हाथ, आगे जाके हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो ये रहा, मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने है ना ये एशिया एशिया वुड प्लैंक्स क्यों यूज़ करे हैं। एक तो एकदम डिफरेंस है, और मेरे पास ये ज़्यादा थे वुड प्लैंक्स से, तो मैंने इसलिए यूज़ करे। गाइस मुझे तो शायद ही लगता है कि ये पूरा हो पाएगा, ये लो ये भी ख़त्म, स्टैक शायद हो जाना तो चाहिए, बस ये लास्ट लेयर है। फिर हमें थोड़ी सी टॉर्चें भी चाहिए, ये भी ख़त्म, बस मेरे पास एक स्टैक बचा है, अब उससे मुझे देखना पड़ेगा। अरे गाइस मैंने डैमेज दे लिया, तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। और गाइस पता नहीं इसके कंट्रोल्स होते क्या है, मुझे इसको समझ में नहीं आ रहे। और अब ये लगा दिए मैंने गलती से, तो जल्दी से हम करते हैं इसका।
शायद अब कम तो नहीं पड़ेंगे शायद मुझसे। ये लो और ये लो, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और ये लो। अभी भी हमारे पास बहुत सारे बचे हुए हैं, तो सबसे पहले मुझे चाहिए क्राफ्टिंग टेबल और ये जो भी है स्मिथिंग टेबल, इन दोनों को हम रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं यहाँ। और मुझे चाहिए चेस्ट, जो चेस्ट है मेरे पास तो नहीं है गाइस। अब मुझे जल्दी से चेस्ट लेने जाना पड़ेगा, और मुझे एक डोर बना लेना चाहिए। मैं एशियन डोर बनाऊँ या ये वाला? मुझे शायद सिंपल डोर बनाना चाहिए, तो 3 बन गए तो कोई बात नहीं, अभी बात के लिए भी काम आ सकते हैं। तो एक साइड तो मैं इस साइड बनाऊंगा डोर, और एक साइड इस साइड में, इस साइड में दोनों डोर रख देता हूँ। तो ये लीजिए, मेरे को एक बार देखनी है कि बटन की रेसिपी होती क्या है, बटन दबाते ही खुल जाए, ये अच्छा तरीका है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ टाइप करना पड़ेगा बटन। तो बटन मैं बना सकता हूँ, तो मैंने यहाँ एक बटन बता कर लिया। तो ये लीजिए और ये लीजिए, तो ये हमारा बन गया। आई थिंक मुझे एक और, 3 और बनाने चाहिए बटन, 1 2 3। अब मैं यहाँ इनको लगाऊंगा, यहाँ और यहाँ और एक बाहर। तो हमारा घर एक तरह से रेडी हो गया है, पर अभी फुल रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि हमें सारा सामान लाना है जो अंदर पड़ा हुआ है। तो जल्दी से हम लेने चलते हैं, क्योंकि जा रहा हूँ, गिर गया तो अभी मेरे को ले जानी है, जितना मैं ले जा सकता हूँ उतना। इस हेलमेट को तो मैं पहन लेता हूँ, इस बूट्स को भी मैं पहन लेता हूँ, और सब ये ले लेता हूँ। प्लांट्स मेरे पास थोड़े से थे फिलहाल, मैंने वो ले लिए यहाँ से। आयरन ज़रूरी है, गोल्ड ज़रूरी है, ये सब ले लेता हूँ। एक सेकेंड, मैं इससे, मेरी क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है, मैं इससे बना सकता हूँ। हाँ, एक आयरन इंगट्स, यस। तो मेरे पास एक और आयरन इंगट हो गया है, और ये बूट्स मुझे अभी पहनने हैं, और ये बेल ले लेता हूँ। तो बूट्स पहन लेते हैं हम जल्दी से, और हेलमेट, हेलमेट की पावर तो बहुत कम है, तो मुझे हमें हमें ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। और अभी मेरे पास थोड़ा स्पेस है, नहीं हाँ 2 स्पेस है, तो इसको कोल को ले लेता एक मैं, और इसको तोड़ लेता हूँ मैं। कलेक्ट हो गया ना? हाँ, अब हम जल्दी से चलते हैं वहाँ पर रखने। अब जो भी हमारा ज़रूरी सामान होगा हम वहाँ रख के रख देंगे। कोई, मैं खुद भूल गया मैंने अपना घर बनाया कहाँ था, मेरा घर। पर आप चिंता मत करो, धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ करना है प्लेस फर्नेस, और मैं चेस्ट लाना तो भूल ही गया, कोई बात नहीं, हम और चेस्ट बना लेते हैं। अभी मेरे पास जगह है, तो चेस्ट बनाने की रेसिपी मुझे एक बार देख लेनी चाहिए। तो चेस्ट ये लो, ये बन गई मेरे पास चेस्ट। तो जितना भी का सामान है मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। बैट तो शायद अभी काम आ जाएगा, तो इसको इतने, और कोल को मैं अभी फंडस में डाल देता हूँ, जितना भी है बैट काम आएगा। ये डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, तो मैं इसको भी एक बार प्लेस कर ही देता हूँ यहाँ पर। ये लो ये लो ये लो, जितना भी सामान है मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। आयरन की सोर्ट तो जो काम आ जाएगी, मैंने फेंका क्या, ओ ये फेंक दिया। इसके ना अपग्रेड जियर, तो शायद इसके अंदर अपग्रेड कर सकते हैं हम कुछ। तो ये क्या है, रो, तो मैं इसको डाल देता हूँ फर्नेस में। और मैं, मेरे पास 2 बेड है, तो मैं एक बेड यहाँ प्लेस कर देता हूँ। और मुझे अभी ये गेट नहीं चाहिए, ये रोटन फ्लैश नहीं चाहिए,
ये रैबिट हाइड नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। सबसे पहले मुझे आयरन और गोल्ड रखवाना चाहिए, ये नहीं चाहिए। खाने का तो ले जाता हूँ मैं, प्लैंक्स भी नहीं चाहिए, ये आयरन की और ये एरो भी और ये भी। अब जल्दी से मैं चलता हूँ और सारा सामान यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। फिलहाल अभी तो रात होने वाली है तो मैं वो जल्दी से सो लूँगा। हमारी दूसरी रात हो गई है ये। जल्दी से सो लेते हैं, बस अब हमें सारा सामान अपना वहाँ शिफ्ट करना है। अब मैं सीधा इसको तोड़ने ही वाला हूँ अपनी चेस्ट को। बस थोड़े से मुझे एक ये चाहिए जिससे मेरा सारा सामान जाए ना कहीं। इसके अंदर कुछ नहीं था तो हम इसको भी तोड़ लेते हैं। तो कुछ नीचे तो नहीं गिरा ना? तो आई थिंक गाइस कुछ नहीं गिरा नीचे और मेरे पास जगह है। जो जगह है मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को भी ले लेता हूँ। तो ये भी कलेक्ट हो गई है। अब हम जल्दी से चलते हैं नीचे। गाइस मुझे जाने नहीं देती ना, इसको मैं पिकैक्स से तोड़ता हूँ ना। अरे जाने दे, मुझे बहुत जाता है अपनी। जल्दी से हम नीचे चलते हैं और हम अपने घर के पास चलते हैं। अब तो शायद मैंने गलती से प्लेस कर दिया तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं इसको तोड़ लेता हूँ और अब रख लेता हूँ यहाँ डबल चेस्ट और एक चेस्ट यहाँ प्लेस कर देता हूँ और इसके बीच में मैं कर देता हूँ ये अपग्रेड। अब मैं सारा सामान इसके अंदर डाल देता हूँ। तो गाइस आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। हमने एक अपना एक घर बना लिया है ये एक अच्छा सा, और आगे जाके हम इसको और कवर करेंगे और बड़ा बनाएंगे और एडवेंचर करेंगे। विदर को मारेंगे, एंडर ड्रैगन को मारेंगे, तो हम ये सब करेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरी वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तब तक के लिए बाय।